तो नमस्कार दोस्तों, ये मेरी YouTube पे फर्स्ट YouTube चैनल वीडियो है और ब्लॉग भी फर्स्ट है और YouTube पे वीडियो भी फर्स्ट है। तो मेरा नाम है शिवा और ये रहा अपना ब्लॉग पार्टनर। भाई नाम बता दे अपना। जय बघेल। और ये रही अपनी बाइक्स। इसी दो बाइक्स पे आपको ब्लॉग मिलेगी। तो चलिए आपको मिलते हैं सीधा बाइक्स पे। सो गाइज, ये रही अपनी बाइक्स, ये V3 और ए भाई की NH 200। ये रहा अपना जय बघेल। तो अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। हाई बॉडी देख ही सकते हो, भाई ने सीधा सेल्फ मार दी और ये भाई निकल पड़ा। सो गाइज, आज हम लोग आप लोग को दिखाएंगे कि दलपत सागर का नज़ारा कैसा है। अभी बज रहे हैं शाम के 5:43, मतलब 5:43। ये भाई ने अपनी हेलमेट ना ऑर्डर कर दी है, बट थोड़ी सी टाइम लगेगी बिकॉज 1 वीक लेती है अमेजोन डिलीवरी देने में। डिस्पैच पे है इसकी बाइक, अभी आएगी भाई की बाइक तो सॉरी हेलमेट। तो चलिए आप रोड के मज़े लीजिए। और गाइस, मैं आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब पे फर्स्ट ब्लॉग होने के कारण अगर वॉइस में कुछ वर्ड्स में या वीडियो में कुछ कमी आती है तो प्लीज़ इग्नोर करिए, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो ये रही अपनी भाई की NH 200, जो फर्स्ट सर्विस हुआ है, अभी फर्स्ट सर्विस हुई है इसकी। अरे फिर भी फर्स्ट सर्विस तो हो गई गाइस, चलाने से कोई वो नहीं होता। और अपनी बाइक तो देख सकते हो बहुत पुरानी है, 2020 की मॉडल है, 2020 की मॉडल है, VS6 ही है बट। और गाइस, मेरी बाइक में ना एक प्रॉब्लम मिसिंग हो रही है, आई डोंट नो, जो कि मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस देखी उनकी भी बहुत मिसिंग हो रही थी। तो स्टार्टिंग में मेरी बाइक ठीक चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही थी, बट अभी मिसिंग होना शुरू हो गई है। तो मेरे को भी लग रहा है सर्विसिंग में देना पड़ेगा मेरी बाइक को। तो ये रहा अपना गणपति रिसोर्ट के आगे वाला रोड है, जो कि गणपति रिसोर्ट से 1 किलोमीटर समथिंग दूर पड़ती है, और उसी रोड पे हम लोग अभी राइड कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी जगदलपुर, यहाँ से 3 किलोमीटर समथिंग कुछ दूरी पे है। देख रहे हो भाई भगा रहा है, मतलब 6 गियर पे 60 की स्पीड में है, तो समझ जाइए। तो भाई कह देता तो मुश्किल हो जाता। देख रहे कैसे निकाल रहा है वरना। और अभी हम लोग जाएंगे संगम चौक, इसके आगे पड़ेगी। और अभी से बता दे रहा हूँ, संगम चौक से अगर जिधर से अपन लोग जा रहे हैं, इधर से आप लोग अगर लेफ्ट लेते हो तो लेफ्ट लेने पे आपको रायपुर की ओर ले जाएगा, और राइट लेते हो तो जयपुर की ओर, जो कि आपको मैं दिखाई दूंगा थोड़ी सी दूर, 100 मीटर समथिंग की दूरी पे है। आई डोंट नो ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, वीडियो कैसी आ रही है, बट मेरे को दिख रही है वीडियो जहाँ तक ठीक आ रही है। ये रही गाइस जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, संगम चौक। यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हो तो रायपुर की ओर जाओगे, और राइट लेते हो तो फिर जयपुर की ओर जाओगे, और सीधा लेते हो तो जगदलपुर में एंट्री करोगे गाइस। ये रहा जगदलपुर का हाईवे तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेन रोड देख सकते हो, रोड पूरी साफ, मतलब स्मार्ट सिटी के लिस्ट में आ रहा है अपना छत्तीसगढ़ बस्तर, जगदलपुर सिटी। भाई यार बिना हेलमेट का अच्छा नहीं लग रहा है भाई को, बिकॉज ट्रैफिक, अगर हेलमेट तो यहाँ पे किसी ने नहीं पहनी है आई थिंक, बट कभी कभी स्पेशल डे में चेकिंग होती है, वरना नहीं होती है गाइस यहाँ पे चेकिंग। स्पेशल डे मीन्स कुछ फंक्शन है, जैसे रामनवमी हो गया, जैसे कुछ त्यौहार फेस्टिवल उस टाइम पे होती है चेकिंग, वरना यहाँ पे कोई चेक करने वाला नहीं है। बस स्पीड लिमिट भी तब देखी जाती है जब सामने ट्रैफिक पुलिस हो, वरना कोई स्पीड लिमिट नहीं है इस सिटी में, देख सकते हो।
गाइस भाई सिक्स गियर पे ही चल रहे हैं, गियर डाउन करे ही नहीं है अभी तक अपन, तो समझ सकते हो यहाँ पे भीड़ ही नहीं है, आप लोग को दिख भी रही होगी भीड़ नहीं है। उदे ऑटो की आवाज है भाई, भाई थोड़ा देख के, ओ भाई एरा अपना चौक इधर से थोड़ी सी दूर में आपको पड़ेगी कोतवाली पुलिस पुलिस स्टेशन, और ये रहा अपना सीधा इधर से लेफ्ट जाओगे तो महारानी हॉस्पिटल, वहाँ से लेफ्ट जाके एक चौक आएगी, वहाँ से फिर आपको राइट लेनी पड़ेगी और 100 मीटर की दूरी पे आपको महारानी हॉस्पिटल लेफ्ट साइड में दिख जाएगी। तो देख रहे हो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं रस अपन को दिखती जा रही है, क्राउड दिखते यातायात पुलिस भाई ये पकड़ती है ना 2-3 हज़ार की चालान 100% लगाती है, देख रहे हो, इसलिए सबके सामने चलाना लेकिन यातायात पुलिस से थोड़ा सा बच के रहना, बस यही बोलना चाहूँगा मैं। बस उन लोग से थोड़ा सा बच के रहना, देख रहे हो वो दीदी को बचाने के चक्कर में भाई बहुत आगे निकल गया। आई थिंक इधर से भी आप जा सकते हो गाइस और सीधा भी जा सकते हो, तो हम लोगों ने सीधी सीधी रास्ती चुनी। इधर से लेफ्ट जाओगे तो आपको मिलेगी संजय मार्केट, इधर से राइट जाओगे तो दंतेश्वरी मंदिर हो रही जो कि आपको दिख रही है, और सीधा जाओगे तो बजाज शोरूम जो भाई की गाड़ी ली है वहीं से ली है जो आपको दिखाएंगे, और ए पास से अगर आप थोड़ी सी लेफ्ट लेते हो ये रहा अपना पोस्ट ऑफिस, संडे होने के कारण आज क्लोज है। ये रहा अपना शोरूम बजाज शोरूम, इधर से आप थोड़ी सी दूर में जाओगे 100 से 150 मीटर पे आपको मिल जाएगी जहाँ पे अपन लोग जा रहे हैं अभी। क्या कर रहा है भाई उसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये रहा बजाज शोरूम, आपको लेफ्ट साइड में दिख रही होगी शटर क्लोज है बजाज की लोगो, आपको आगे में मिल जाएगी। टेक दिस व्यू, ये रहा अपना दलपत सागर, और सागर भाई बहुत काफी बड़ा है, और इस सागर की एक खासियत है गाइस कि यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है, बस आप चाहे गर्मी में आओ बरसात में आओ या फिर ठंड में आओ कभी पानी सूखेगा नहीं, यहाँ पे पानी हमेशा रहती है। तो गाइस थोड़ी सी आगे जाते हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ का, आगे नहीं आई थिंक भाई पार्किंग कर रहा है तो पार्किंग करेंगे और आपको अंदर का व्यू दिखाएंगे। ये रही अपनी बाइक्स, पहले न्यूट्रल कर लेते हैं, चाबी क्लोज लॉक, हर हर महादेव, भाई भी चाबी क्लोज कर रहा है, लॉक किया भाई ने भी लॉक कर दी। ये रहा दलपत सागर का मेन गेट, यहाँ से एंट्री लेने के लिए आपको कोई टिकट विकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप सीधा आके एंट्री ले सकते हो। एंट्री अरे गजब, वहाँ से आएंगे इधर से एंट्री लेंगे। यहाँ से लेके सागर आपको पूरा देख रहे हो, आपकी नज़र नहीं जाएगी वहाँ तक है, वो दे दिखाई दे ही रहा होगा आपको, चलिए आपको दिखाते हैं इधर भी है, बीच में फिर रोड बना दिया गया है, व्यू देख रहे हो गाइस ज़बरदस्त आ रही है ने? ना अभी थोड़ा स्पीड कर दें, हट छोड़ो। ये रहा अपना बस्तर फाइटर, सॉरी बस्तर फाइटर तो हम जो बस्तर
देख सकते हैं यहाँ पे लाइट्स है, नाइट में आपको और अच्छी से दिखाई देगी। तो गाइस यहाँ से होती है वोटिंग। तो देख सकते हो यहाँ पे होती है, यहाँ से टिकट लेते हैं आई थिंक, और यहाँ से हम लोग लेंगे एग्जिट। ये रहा अपना एग्जिट और एंट्री, दोनों गेट बोल सकते हो। यहाँ से हम लोग लेंगे एग्जिट, इधर से हम लोग एंट्री किए थे गाइस, और इधर से एग्जिट भी लेंगे। और वो रोड तो आप लोग देख ही चुके हो, इधर से जाएंगे बिकॉज वो पास हम लोगों की बाइक पार्किंग है। यहाँ से भी देख ही सकते हो, ये देख अभी हम लोग गए थे वहाँ पे, यहाँ से गए थे वो बीच तक, बीच रोड से होते हुए गए थे वहाँ तक, और दोनों साइड था पानी। फिर स्विच ऑन, फिर लेफ्ट को। आई डोंट नो गाइस वीडियो कैसे आ रही है, बिकॉज मेरे को अनकम्फर्टेबल लग रही है यहाँ पे, बट फिर भी इसको बोलना पड़ेगा यार स्पीड मत चला, बिकॉज वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। भाई शायद रॉन्ग साइड जा रहा था, तो मैंने उनको हार न दे के सिग्नल कर दिया कि इधर जाएंगे। तो गाइस यहाँ से हम लोग, ये रहा अपना यामा शोरूम, लक्ष्मी यामा, ये रहा देख सकते हो, और ये रहा अपना सिरासार चौक। सिरासार चौक के नाम से जाना जाता है यहाँ पे, मतलब ये रहा अपना दंतेश्वरी मंदिर, उसके अंदर में बस्तर का किंग उनके होम है। भाई निकाल रहा था वो बंदा, उसको देख रहा था, देख रहे हो गाइस भाई काफी आगे चल चुका है। यहाँ से फिर उसी रोड पे आ गए जो कि जाते टाइम आपको बताई थी मैंने, मेन रोड। पब्लिक रिएक्शन बहुत गंदा आ रहा है गाइस। भाई इनने साइड इंडिकेटर ऑन कर दिया है, इंडिकेटर जाए इंडिकेटर, बट ऑफ नहीं किया था उसने। और यहाँ से अपन लोग अपन घर के साइड जाएंगे तो लेफ्ट लेंगे, इधर से जाएंगे तो आप लोग क्या बोलते शहीद पार्क, शहीद पार्क प्लस चौपाटी पास में ही है, दोनों एक साथ मिला हुआ है, तो जो बोलना चाहो आप बोल दो। भाई ने स्पीड पकड़ ली है, सामने से भी कारें आ रही। यार मेरी अगर वॉइस में कुछ कमी रह जाती है बोलने में, कुछ बोल नहीं पाता हूँ, तो गाइस इग्नोर करिए, बिकॉज ये वाला सीन हो रहा है हमारे साथ कि आपको अगर फर्स्ट बार माइक पकड़ा दिया जाए और स्टेटस पे, सॉरी स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए,
तो आप क्या ही बोलूँ, अंदर से यही वाली फील आती है, क्या ही बोलूँ यार, बोलने को बहुत कुछ होती है बट जुबान पे ला नहीं पाते। देख रहे हो स्विफ्ट भाई 3G17। तो भाई एक बार फिर आप लोग को बता दूं कि मेरी चैनल मतलब हमारी चैनल जो है 3G17 स्पेस ब्लॉगर, मतलब 3G17 लिखोगे और स्पेस ब्लॉगर ब्लॉगर लिख दोगे, मतलब स्पेस दे के फिर ब्लॉगर लिख दोगे तो सबसे टॉप में आपको नज़र आएगी। तो उस पर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, प्लस बेल आइकन जो होती है गाइस उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी जो वीडियोज़ है वो आपको सबसे पहले मतलब वीडियोज़ अपलोड की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियोज़ का सबसे पहले आनंद ले सके। फिर आ गए गाइस उसी रोड पे जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ली थी, संगम चौक। ट्रैफिक पुलिस देख रहा था हम लोग का। अभी गाइस हम लोग ने स्पीड मेंटेन करके रखी है तो अपन को कुछ बोल नहीं सकता। तो गाइस यहाँ से हम लोग जाते हैं घर की ओर। तो गाइस मेरे को लगता है इधर कुछ नहीं है तो वीडियो को हमको यहीं क्लोज करनी पड़ेगी। सो गाइस फिर से बोलूँगा, वीडियो पूरा देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।